जिला में 12 उद्योग जब खत्म हो जाएगा तो देहात में क्या होगा ये बताइए। ये बताइए जितना मेरे पास वैक्सीन सरकार दे रही है उसके आधार में ही भेज रहा हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। सर परसों भी आए थे तो वैक्सीन खत्म हो चुका है तो क्या भी लौट कर जा रहे हैं। एक मिनट, आपका तो काम है, मेरा भी काम है, और वैक्सीन नहीं रहेगा तो हम कहाँ से जाएंगे? पांच दिन और संतोष करिए, वैक्सीन भरपूर मिलेगा। सर जाने को डॉक्टर साहब हमें वैक्सीन कब लगेगी? ये शब्द हमारे नहीं चंदौली के सुदूर गांव के लोगों के हैं जो कई दिनों से वैक्सीन लगाने के लिए CHC के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। वहां मौजूद ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि जब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हुए तो अस्पतालों से वैक्सीन गायब है। ये जनता के साथ छलावा है और प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही है। आरोप है कि वैक्सीन लगाने में VIP लोगों को तरहीज दी जा रही है, ये गरीबों के साथ धोखा है। हम गरीबों की शिकायत तक नहीं सुनी जा रही, डांट फटकार लगाकर हमें अस्पताल से हटा दिया जाता है। तो वहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि ये सवाल हमसे नहीं सरकार से कीजिए, जितनी वैक्सीन मिल रही है उसे उपलब्ध कराई जा रही है। 14 लाख का वैक्सीनेशन होना था सेंटर बने यहाँ पर, क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की? वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास 140 डोज आज था जो कि सारा इंजेक्शन आज के डेट में लगा दिया। लोगों की शिकायतें हैं, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, कह रहे हैं कि हमें रोज बुलाया जा रहा है, रोज आते हैं तो वैक्सीनेशन खत्म होने की बात की जाती है, तो क्या कहाँ समस्या आ रही है? समस्या तो ऊपर से है, हमको जितना दिया जाएगा उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन लगाएंगे, और यहीं पे नहीं लग रहा है, यहाँ के अलावे हम वैक्सीनेशन को गांव-गांव में भी अपने प्लान के आधार पर डेली भेज करके अवेलेबिलिटी के अनुसार उसको लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जिस तरह सेंटर बना रहे तो एक हफ्ते में 4-4 बार आए और चारों दिन वैक्सीन खत्म है, तो क्या कहीं समस्या है क्या वैक्सीन को लेकर के? हाँ, जितना मैं बताता रहा हूँ, ऊपर से जितनी वैक्सीन मिलनी है मिलती है उस हिसाब से हम वैक्सीन का प्लान करते हैं। तो ये एक सप्ताह से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो क्या समस्या कहाँ आ रही है, क्यों नहीं लग पा रहा उनका? वैक्सीन की कमी के कारण। मतलब सरकार वैक्सीन आपको नहीं सपोर्ट कर रही है? मैं ये इल्जाम नहीं लगा सकता, मुझे कहना ये है कि जितना हमें मिल रहा है उसके आधार पर प्लान के हिसाब से मैं वैक्सीनेशन करवा रहा हूँ। सदर PHC से लेकर क्षेत्र के विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटरों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं लेकिन लोगों को उस वक्त मायूसी हाथ लग रही है जब केंद्रों पर टीके की अनुपलब्धता की वजह से बैरन लौटना पड़ रहा है। PHC चंदौली में करीब दर्जन भर लोग टीका लगवाने पहुंचे थे लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से उनका टीका नहीं लग पाया। पंजाब केसरी TV के लिए चंदौली से प्रदीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।